खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्वागत है थोड़ा साडे चैनल गुरसिख ब्लॉग से। तो अज के ब्लॉग के असी थानू दिखावे भी असं कितने जा रहे हैं अच्छ है ना। तो अच्छ असं जा रहे हैं गुरु घर के दर्शन करन के लिए। सारी तैयार आ, जंदे लगा दिए पे ने, भी तैयार आ। देखो एकदम डैड जी अगे गेट खोलन। चलो तुम भी नाल साढ़े, असं भी थानू दिखाने अज करते हैं गुरु घर के दर्शन। केड़े केड़े गुरु घर जाना, केड़े केड़े गुरु घर के दर्शन करने, असं थानू इस ब्लॉग के दिखावे। तो तुम ये ब्लॉग जो सा एंड तक जरूर देखना, तुम भी नाल नाल दर्शन करो जी। चलो चलिए जी, हम असि अगले गुरुद्वारा साहब पहुँच चुके हैं। गुरुद्वारा साहब का नाम है जी गुरुद्वारा चोला साहब। हाँ जी, इत्थे गुरु हरगोबिंद महाराज जी के 52 कलियां वाला चोला साहब सतगुरु जी का पिया, जेडे चोले नाल गुरु जी ने 52 राजिया नू ग्वालियर के किले विचों रिहा करवाया सी। आओ तुहानू दर्शन कराइए गुरुद्वारा साहब दे, आप जी दर्शन करो जी। गुरु हरगोबिंद महाराज जी का जिथे भी स्थान होगा उत्थे दो निशान साहब जरूर होंगे, क्योंकि एक मीरी का ते एक पीरी का, भाव एक धर्म का ते एक राजनीति का। राजनीति का हां जी, हम असि अगले गुरुद्वारा साहब पहुंच गए हैं जी। सत संगत जी, हम असि पहुंच गए हैं जी गुरुद्वारा भड़ोला साहिब। इनू गुरुद्वारा हवेली साहब भी कहा जाता। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने पिंड गुडाणी कलां जिला लुधियाना तहसील पैल विखे सन 1688 नूं चरण पाए। बाबे सूरतीए ने छेवें पातशाह की सेवा की। उस दी सेवा तो खुश हो के महाराज 45 दिन उस दे घर रहे। अते वापस जाण वक्त महाराज ने 52 कलियां वाला चोला, एक पोथी, 5 ग्रंथ, एक पैर दा जोड़ा, एक मंजे दा बाण उसनू बख्शिश कीता। इत्थे ही गुरद्वारा भड़ोला साहिब है। इत्थे महाराज ने भड़ोले विच कणक दे दाने अपने हत्थां नाल पाए अते वरदान दिता कि इत्थे कदे लंगर तोट नहीं आवेगी, पर महाराज ने भड़ोले दा ढक्कण चुकण तो मनाही कीती। 5 पुश्तां तक बरकत रही अते लंगर लगातार 180 साल चलदा रहा, पर 5वीं पुश्त दी नवी आई नूं ने अणजाणे विच भड़ोले दा ढक्कण चुक दिता अते बरकत खत्म हो गई। पिंड गुडाणी विच होर गुरद्वारे, गुरद्वारा दमदमा साहिब, गुरद्वारा चोला साहिब, गुरद्वारा निमसर साहिब भी सुभायमान है। उन्होंने भी आप जी ने दर्शन करावे। आप जी दर्शन करो गुरद्वारा भड़ोला साहिब। यह है जी गुरद्वारा भड़ोला साहिब।
बहुत ही सोहना स्थान बनया हुआ सतगुरु जी का प्रकाश है। तो आओ करो दर्शन नाल भड़ोला साहिब दे। भड़ोला यह है वह भड़ोला जिस विच धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने अपने हत्थां दे नाल दाने पाए अते वचन कीता भी ढक्कन चक के नहीं देखना, लंगर कदे भी तोट नहीं आवे। अंदर करो दर्शन। देखो बाकी अगे रास्ते चल के देख रहे कुछ और। आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा निमसर साहब, गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने इथे दातन करके दातन कट दिती सी, जिहड़ा कि निम का दरख्त बन गया। तो सतगुरु जी की याद वजो अज इतने दरख्त संभाए ने आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा श्री निमसर साहिब। गुरुद्वारा श्री निमसर साहिब गुरु जी ने दातन कढ़ी सी छेवें पातशाह ने। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਬਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦਾ ਬਾਣ। ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋਣ ਇਹ ਬਾਣ ਇਹ ਬਾਣ ਉਹ ਦੋਣ ਆ ਬਾਣ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਬਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੋਣ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲੀ ਆ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਾਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਾਤਨ ਦੇ ਨਿੰਮ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੰਮ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੰਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁੰਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ।